अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जिसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे, वो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे जी। डाटा कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंबाइंड टर्म पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि जब डाटा कम्युनिकेट करता है तो कौन कौन से कंपोनेंट उसमें काम कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें कौन कौन सा बंदा काम कर रहा होता है साथ में। और इसके अलावा इसमें मैसेज पढ़ेंगे, मैसेज एक ऐसा कॉम्पोनेंट है कि जिसके अंदर फर्दर हमारे पास कुछ डिविजन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सो बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसके अंदर देखें सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं जी कि एक्चुअली डाटा क्या होता है, फिर कम्युनिकेशन एंड फिर इसके कंपोनेंट्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डाटा क्या है जी, डाटा हमने पहले तो कंप्यूटर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जी दैट इज़ अ रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल को हम लोग डाटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा की टर्म थोड़ी सी हट के डिफाइन करेंगे। एक प्रोसेस थिंग को आप डाटा बोल सकते हैं, मैंने मैसेज किसी को भेजना है वो एक डाटा है, मैंने किसी से कोई फाइल मंगवानी है वो एक डाटा है। तो ये सारी बेसिकली हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में बात करती हैं, जब सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। बेसिकली जब डाटा ट्रैवल करता है उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जब डाटा कम्युनिकेट करेगा, जब डाटा ट्रैवल करेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज डाटा कम्युनिकेशन, इट विल बी कॉल्ड एज डाटा कम्युनिकेशन व्हेन एनी टाइप ऑफ डाटा और अ डाटा विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक जब डाटा, जब एक डाटा पैकेट सपोज कर लें कि इस सिस्टम से एक डाटा पैकेट जो है आपका वो यहां से इस सिस्टम की तरफ ट्रैवल कर रहा है इस तरफ, तो ये एक डाटा कम्युनिकेशन है, सिंपल इसको हम डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिखाता हूँ, फिर देखें और उसको फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप डाटा कम्युनिकेशन की एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक सेंडर है, सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ एक मैसेज आ रहा है। वो मैसेज जो है वो ऊपर आपको दो पोर्शन में डिवाइड करके दिखाया भी गया है, उसका एक आइकन भी साथ दिखाया गया है और साथ में कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए हमने एक ट्रांसमिशन मीडिया देखा, चाहे वो सिग्नल्स हैं, यहाँ पे सिग्नल्स हैं, वो एक वायर भी हो सकती है। उस वायर से होते हुए डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर के एंड पे पहुँचेगा, यानी कि ये बेसिकली इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। पहले ही एक सेंडर है, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो रिसीवर भी हो गया, सेंडर और रिसीवर दो हो गए। उसके बाद नंबर थ्री पे आ गया जो आपका मैसेज है, जो ट्रैवल हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, पैकेट्स की सूरत में होगा डेफिनेटली वो। फिर एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ में फिर एक कम्युनिकेशन मीडियम है, जो मीडियम इस्तेमाल करते हुए डाटा ट्रांसफर हुआ है या होगा। तो ये बेसिकली कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से भी पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है जी हमारे पास सेंडर। What is a sender? Sender एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा कंप्यूटर होता है कि जो डाटा को ट्रांसफर करेगा, भेजेगा, जो डाटा को सेंड कर रहा है या अपने एंड से ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए इसका एक नाम ट्रांसमीटर भी है। सेंडर को हम लोग ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, जो मैसेज को भेज रहा है। क्या मैसेज है, कैसे जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन सेंडर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेज जस्ट भेजती है। उसके बाद आता है जी हमारे पास रिसीवर। अब रिसीवर क्या होता है, रिसीवर तो डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो डाटा को रिसीव करेगा, जैसे कि ये वाला मैसेज, ये वाला जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, ये रिसीवर कहलाएगा, ये डाटा को रिसीव करेगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है कि रिसीवर जो है वो हमेशा इस चीज़ के एप्लीकेबल होना चाहिए कि वो मैसेज को रिसीव कर सके, मतलब इस तरह का रिसीवर हो। देखिए अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भेजता हूँ, लैपटॉप पे किसी मतलब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भेजता हूँ, तो वो समझ में आ रही है बात, लेकिन मैं अपना मैसेज जो है, टेक्स्ट मैसेज जो है, वो मैं किसी स्कैनर को नहीं भेज सकता, किसी माइक्रोफोन को नहीं भेज सकता, किसी कैमरा को नहीं भेज सकता, यानी कि वो डिवाइस की आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल भी होनी चाहिए ना। इसलिए जो रिसीवर है वो सेंडर का मैसेज रिसीव करने के एप्लीकेबल होना चाहिए, वो इस काबिल होना चाहिए कि उसको मैसेज को रिसीव कर सके। रिसीवर को सिंक भी कहा जाता है, क्योंकि सिंक एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा पैकेट्स को रिसीव करती है, अपने एंड पे रिसीव करती है, हासिल करती है, उसको फेच करती है या गेट करती है। तो सेंडर जो मैसेज भेजेगा, रिसीवर या सिंक जो मैसेज को रिसीव करेगा, दो कॉम्पोनेंट हो गए। देखिए उसके बाद आ गया जी मैसेज। अब मैसेज क्या चीज है, मैसेज के अंदर हमारे पास फर्दर कुछ चीज़ें हैं, हम वो पढ़ लेते हैं पहले कि भाई देखें, जो भी आपका मैसेज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैसेज बना देता हूँ, ये एक मैसेज है मेरे पास। इस मैसेज के अंदर दो चीज़ें,
एक तो वो ब्लैंक पेपर जिसके ऊपर मैंने मैसेज टाइप किया, सपोज हम जैसे एक डाकखाने में पोस्ट भेजते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एक ब्लैंक पेपर पर लिख के हम उस पेपर को लिखने के बाद, एक तो वो पेपर खुद हो गया ना, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं जी। वो जो पेपर आप लिखेंगे वो आपका कहलाएगा, उसका एक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं पेलोड। पेलोड बेसिकली, पेलोड इज द एक्चुअल कॉन्टेंट ऑफ योर मैसेज। जो आप मैसेज भेजना चाह रहे हो उसमें जो एक्चुअल कॉन्टेंट है ना, वो आपका वो मैसेज है जो आपने लिखा है या टाइप किया है। तो इसी तरह से अगर मैं मोबाइल फोन से कुछ टाइप करता हूँ तो जो मैसेज मैं टाइप करूंगा इट विल बी कॉल्ड एज अ पेलोड। वो पेलोड है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेलोड। तो ये मैसेज का एक हिस्सा हो गया। दूसरी चीज क्या है, जिसके अंदर आपने इसको पैक किया है, एक एनवेलप के अंदर पैक किया ना, वो ब्लैंक पेपर को हम रोल करके लैप करके तो हम उसको क्या कर देते हैं जी, एक पैकेट के अंदर, एनवेलप के अंदर बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि भाई जिसको हमने भेजना है। ऐसा तो नहीं है ना कि एनवेलप में डाला और बस जाके पोस्ट ऑफिस में फेंक दिया, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली हमें उसके ऊपर रिसीवर का एड्रेस, उसका नाम अता पता कुछ लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर कुछ भी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कंप्यूटर के अंदर जब हम वो मैसेज जब किसी को भेजते हैं तो रिसीवर की जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे वो कोई पोर्ट नंबर है, ठीक है, वो कोई पोर्ट नंबर हो सकते हैं जिस पोर्ट पे आप भेज रहे हो, वो कोई एड्रेस हो सकता है, वो कोई वेब एड्रेस हो सकता है, वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो या जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कहलाती हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। क्या कहलाती है जी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, एंड इट विल बी मैंशनड ऑन अ हेडर। ये कंप्यूटर के ऊपर हम बात करेंगे, इसमें याद रखिएगा कि जो एनवेलप के ऊपर आप ये डिटेल्स लिखते हो ना जिस चीज़ के ऊपर, उसको हेडर बोलते हैं कि भाई हेडर के ऊपर आप ये इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, ठीक है जी। तो मैसेज के अंदर दो चीज़ें हैं, मैसेज एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैसेज जो है हमेशा पैकेट्स की सूरत में, डेटा पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करेगा। वो कैसे करेगा, देखें, इस सेंडर ने एक मैसेज भेजा इस रिसीवर को, हाउ आर यू, सपोज हाउ आर यू, तो वो हाउ आर यू ऐसे ही नहीं चला जाएगा, वो हाउ अलग, आर अलग और यू शायद अलग जाए, या यू के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वो भी अलग जाए, या क्या पता कि यू और क्वेश्चन मार्क अलग हो जाए। तो वो बेसिकली उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, जैसे कि हाउ अलग, आर अलग, इस तरह से ए आर ई कर लेते हैं, ठीक है जी, और वाई ओ यू। सपोज कर लें कि हाउ का तीन लेटर अलग चले गए, ए अलग गया, आर अलग गया, ई अलग चला गया, ओ वाई ओ यू, इसी तरह से एंड सो ऑन क्वेश्चन मार्क पे। तो ये भी पॉसिबल है, ये इसी तरह से डाटा पैकेट्स की सूरत में जाता है, मींस के छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं उसके, उसका अंदर ऐसी तरतीब नहीं होती जैसे हम मतलब सोच रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं उसमें, क्या पता कि हाउ के साथ ए को अटैच कर लिया जाए, डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है जी। तो इस तरह से मैसेज ट्रैवल करता है पैकेट्स की सूरत में। मैसेज वो एक्चुअल कॉन्टेंट है जो आपने किसी को भेजना है, उसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन दैट इज द पेलोड, जो आपका एक्चुअल कॉन्टेंट ऑफ योर मैसेज, और दूसरी चीज मैसेज के अंदर जो पेपर आपने लिखा, जो आपका एक्चुअल कॉन्टेंट है, जिस चीज़ के अंदर आपने पैक किया है उसको, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आप मैंशन करते हो उसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। आसान लफ्जों में मैंने मोबाइल से एक मैसेज भेजा, तो वो जो मेरा मैसेज टाइप किया गया है वो तो है मेरा जी पेलोड, लेकिन जिसको मैंने भेजना है उस रिसीवर के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, डेफिनेटली वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है जी। और वो हेडर के ऊपर, हेडर मींस के जो टॉप पोर्शन होता है उसके अंदर मैंशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई जी, ये हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट है, एंड द फोर्थ वन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक सिंपल सी टर्म है, देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है जी, के बेसिकली रूल्स होते हैं, सेट ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि दो पार्टीज के दरमियान का जो एग्रीमेंट होता है ना कि भाई इस तरह से कम्युनिकेशन होगी, इस टाइम पे होगी, इतनी बार होगी, इस ड्यूरेशन के मुताबिक होगी, और उसमें इन जिन चीज़ों का, फला चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, तो वो चीज़ें बेसिकली एक एग्रीमेंट बन के सामने आती हैं। उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, रूल्स, और उन रूल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटोकॉल। यानी कि जब ये दोनों ट्रांसफर करेंगे डाटा को तो इनके अंदर डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन होंगी, तो वो कम्युनिकेशन किसी रूल के ऊपर होंगी, ऐसे नहीं हो जाएंगी, पॉसिबल जो होगा जो उस बाउंड्री के अंदर आ रहा होगा डाटा, मीन्स कि अगर मैंने हाउ आर यू पूछना है, मैं हू आर यू नहीं पूछ सकता, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल है, तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये नहीं पूछता कि भाई आप कौन है, मुझे पता है कि आप कौन हो, तो वो रूल्स हैं कि भाई आप देखें, इस तरह का कोई ऐसी कोई इनफॉर्मल सी बात आपने नहीं करनी, फॉर्मल रहना है हमेशा, ऐसा कुछ कंसिडर कर लें। या जो मैं मैसेज मोबाइल टू मोबाइल भेज सकता हूँ वो मैं मोबाइल टू माइक नहीं भेज सकता, तो ये बेसिकली रूल्स हैं कि भाई इस तरह का मैसेज हमें रिसीव नहीं होता। एक डिवाइस है जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज को रिसीव कर सकती है, वो ऑडियो रिसीव नहीं कर सकती, वो वीडियो रिसीव नहीं कर सकती, तो ये रूल्स में पहले मेंशन कर दिया जाता है प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है जी। तो ये होते हैं जी आपके प्रोटोकॉल, एंड द लास्ट वन इज मीडियम। इस कम्युनिकेशन के लिए आपने कौन सा मीडियम यूज किया, सपोज आपने इसमें मीडियम यूज किया है, इसमें दो तरह के मीडियम हो सकते हैं ना हमारे पास, हमने पहले भी ये चीज डिटेल से पढ़ ली हुई है कि मीडियम दो तरह का हो सकता है,
मीडियम जो है वो एक वायर हो सकती है या वो सिग्नल्स हो सकते हैं, ठीक है जी। सिग्नल्स में वाईफाई हम लोगों ने पढ़ा है, वायर में हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, हमारे पास इथरनेट की केबल जैसे कि होती हैं, कोई भी एक सिंपल वायर हो सकती है, तो मल्टीपल वायर्स है, ठीक है जी। ये थे हमारे बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के, भाई ये पांच कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, सेंडर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, इन दोनों के डबल नेम, उसके बाद मैसेज, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, पैकेट है, हेडर की जो है एक टर्म है हमने पढ़ी, फिर दो चीज़ें मैसेज का जो पोर्शन है, जो हिस्सा है दो, क्या पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटोकॉल रूल्स ऑफ या सेट ऑफ एग्रीमेंट्स, और मीडियम के, मीडियम क्या हो सकता है जिसके जरिए से ट्रैवल कर रहा है डाटा, इस वक्त डाटा इस वायर के जरिए से सपोज कर रहा है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल कहलाएगा, ऑन विच एक पैकेट ट्रैवल करते हुए चलेगा। अगर मैं बाय रोड यहाँ से लाहौर से सपोज कराची जाता हूँ, तो बाय रोड जाऊँगा, तो रोड क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम है, तो मीडियम कौन सा मैंने यूज़ किया, बाय रोड, रोड यूज़ किया। बाय एयर जाऊँगा तो मैंने कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा यूज़ किया, एयर यूज़ की, ठीक है, स्पेस यूज़ किया। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ पाँच कॉम्पोनेंट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह।